पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में देहात विधानसभा कार्यशाला और बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के द्वारा की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि देहात विधानसभा प्रभारी विवेक राज सोनी रहे। कार्यशाला का संचालन भजन लाल सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यशाला का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बूथ सशक्तिकरण अभियान में कार्य करने और तेजी के साथ आगे संगठन को मजबूत करने का प्रण लिया। मंच पर बोलते हुए विवेक राज सोनी ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी भाजपा कार्यकर्ता अलर्ट हो जाएं, सभी को निकाय चुनाव के लिए बूथ बनवाने हैं और अभियान में अपनी सहभागिता निभानी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम को सभी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर सुनना है और उसमें अपनी सहभागिता निभानी है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि आगामी चुनावों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता निभानी है और सभी को नए बूथ बनवाने हैं। आज बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर कार्यशाला थी और हमारी नगर विधानसभा की कार्यशाला लाइन पार एसडीएम इंटर कॉलेज संपन्न हुई है। यहाँ पे देहात विधानसभा कार्यशाला अपने आरआरके में संपन्न हुई है। ऐसे बूथ सशक्त कैसे हो, इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को समझाया गया कि हर कार्यकर्ता को, चाहे वरिष्ठ हो कनिष्ठ हो, अपने बूथों पर जाएँ, बूथों पर काम करें और बूथ सशक्त करें, और बूथ किस तरह सशक्त हो इस विषय में आज संवाद किया गया और चर्चा वार्ता की गई। आगामी चुनाव है, उसके लिए तैयारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय 24 घंटे 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। चुनाव कोई भी हो, हर समय कार्यकर्ता, हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, वो चुनाव को तैयार रहता है। इस समय भी चुनाव आपके नगर निगम चुनाव जो है, जैसा सुबह अखबार पड़ा है, आने वाला है। सहकारिता का चुनाव आ चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनाव के लिए तैयार है और सहकारिता के चुनाव के लिए तैयार है। दोनों चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ता जो है हर समय तैयार है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।